कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 और हम लोग दोनों हो गए रेडी, मैं और आयुष करके। ये देखिए, ये देखो, तो आयुष और मैं दोनों रेडी हो गए हैं। आयुष सोया हुआ था तो वो आज लेट नहाया है, और अभी ये परेशान कर रहा है। ऐसे उठो 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 उठो। ये देखो, आयुष आ गया है अब मेरी गोदी में। हाय बोल दो बेटा। हाय, हाय बोलो। हेलो। तो आपको आयुष का ओरिजिनल नाम पता है? तो आयुष का ओरिजिनल नाम है, वीडियो पे बने रहे हैं, आपको आगे बताती हूँ कि इसका आयुष नाम घर का है और इसका बाहर का नाम यानी जो हम लोग ने ओरिजिनल नाम है वो नाम क्या है, आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग दोनों अपने रूम में हैं। इसके पापा चले गए हैं दुकान, इसकी दादी और इसके भाई चले गए हैं स्कूल। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग दोनों अभी हैं और दोनों खेल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी खाना पीना होता है तो उसकी रेसिपी आपको नहीं बता पाई थी। और बाड़ी वाड़ी तो शाम को जाऊंगी मैं, क्या क्या सब्जी तोड़ना है, क्या क्या करना है। और फिलहाल तो अभी हम लोग दोपहर को यहाँ पे हैं, टाइम मिला है तो हम लोग चलते हैं पढ़ाई करने। ना बेटा, हम लोग पढ़ाई करेंगे ना, तो बता दो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पे बने रहे, और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ आ गए हैं पढ़ाई करने, मैं और आयुष करके। ये देखिए, आयुष को भी एक मैंने कॉपी दे दिया है और मैं भी अपना डायरी लेके बैठी हूँ, कुछ ग्रामर जैसा कुछ पढ़ रही हूँ, ग्रामर ही पढ़ रही हूँ। और आयुष क्या है, मोबाइल पकड़ोगे तो मोबाइल मांगता है और कॉपी पकड़ोगे तो कॉपी मांग रहा था। और देखिए कितने अच्छे से खेल रहा है, मुझे पढ़ने दे रहा है। और वो क्या करेगा, उसको फाड़ने की कोशिश कर रहा है, खाने की कोशिश कर रहा है। तो ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं हो सकी, बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट तक बैठे थे। तो मैं ये वाला क्लिप को थोड़ा सा स्पीड कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे और आयुष बदमाशी कर रहा है। ये देखिए, वो खाने की कोशिश करने लगा। तो मैं उसमें बोले देखो यहाँ बीच में कुछ है, यहाँ देखो करके, तो उसको देखता नहीं है और बस उसको खाना है। तो मेरी पढ़ाई यहाँ पे थोड़ी सी रुक गई, क्योंकि उसको संभालना है, क्योंकि बच्चा है और पढ़ना भी है साथ में, तो हो नहीं पाता। तो बस दोनों खेलेंगे तब उसको मज़ा। तो फ्रेंड्स मैं और आयुष मिलकर तो पढ़ाई कर रहे हैं, और आयुष पढ़ने के बजाय बुक्स को खाने लगा है, तो मैंने उससे किताब छीन लिया। और ये देखिए, आयुष मेरे डायरी मेरे डायरी को लेके पढ़ रहा है, देख रहे हैं मम्मी क्या क्या लिखी है। तो फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ, आयुष का ओरिजिनल नाम है आर्यस। तो आर्यस ना, आर्यन नहीं, आर्यस। तो आप बताइएगा आर्यस का मीनिंग क्या होता है, और कमेंट में बताइए कमेंट बॉक्स में कि आर्यस का मीनिंग आपको क्या क्या मिलता है। अगर आपको उसकी मीनिंग नहीं मिलती है तो मुझसे पूछेगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। तो फिलहाल देखिए आयुष क्या कर रहा है, ये तो बुक्स को भी डफली बजा रहा है। तो आयुष देखो, इधर देखो, आयुष की शैतानी देखने लायक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हम लोग अभी जा रहे हैं छत, और ये हमारे घर का सीक्रेट रूम है, आपको दिखाती हूँ हमारे घर का सीक्रेट रूम। तो ये देखिए हमारे छत के ऊपर के रूम का नजारा, यहाँ पे देखिए डबल बेड लगे हुए हैं। और ये देखिए, हम लोग पढ़ाई करने के नाम से आए हैं बच्चे को लेकर, लेकिन वो किसी को पढ़ने नहीं देगा, बस उसको तो सिर्फ मस्ती करना है। ये देखिए,
बहुत ही अच्छा है, एकदम शांत और आराम से यहाँ आके पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, जब अकेले हो तो, और बाल बच्चे के साथ आए। ये देखिए, उसका छोटा भाई भी है, चंपू भी है, मैं हूँ, उसके पापा भी हैं, तो यहाँ पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ मस्ती होगी। तो मैं क्या, वो लोग भी अपना कुछ कर रहे हैं मोबाइल में। और ये देखिए, मैं आयुष को नमकीन खिला रही हूँ, मैं भी खा रही हूँ साथ में। और आयुष आया है, ज़्यादा शुरू में आया नहीं है, ये दूसरी बार है, जब सफाई करने के लिए आए थे तब आया था, और अभी मस्त सफाई हो गया है, तो यहाँ पे आके उसको बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो खेल रहा है, बहुत सारे मस्ती कर रहा है, और उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, रोता बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, अभी दोपहर का समय था और सब गए थे ड्यूटी, और हम लोग थे यहाँ पे रूम में, वो भी छत वाले में, तो उसको अभी क्या नया जगह है और सब चीज़ नया नया लग रहा है, तो इधर उधर देख रहा है और खुश है। देखिए कितना क्यूट है। क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है, तो अभी बहुत टाइम लगेगा और आप लोगों को और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखना ना भूलें। टेक केयर।